मुख जिन्हें नोट किया होगा सर एक बार आप पढ़ के बता दीजिए कि आपने नोट क्या किया। नोट क्या किया सबसे भैया उनको दे एक तो आपको जो ऑनलाइन फॉर्म हंड्रेड का है उसको कम करने के संबंध उसको कम करना मिले जी कार्रवाई होगी जी जी ऑनलाइन फॉर्म भी जमा होकर भी कार्रवाई होगी और ऑनलाइन फॉर्म मतलब कि जमा न किए जाए ऑनलाइन ही सबमिट हो रहे हैं तो उसको ऑनलाइन सबमिट करने का कोई औचित्य नजर नहीं ऑनलाइन को ऑनलाइन की तरह रखा जाएगा। ये ऑनलाइन फॉर्म की जानकारी मैंने उसी को एक मिनट में बता दी रिजल्ट प्रसारित होने से पहले उसकी स्क्रूटनी पर सुनो यार उनको उनको वेरीफाई कर सुनो एक बार ये रिजल्ट जरा और बाय क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट प्रसारित होगा उससे पहले उसकी स्क्रूटनी अच्छी तरह करते हैं। लेकिन वो जब भी हो तो वो पूरी तरह से ठीक है। चौथी बात सर आप इसमें लिखे जो हमारी कंप्यूटर लैब सर आप भी लिख दीजिए कंप्यूटर लैब सबसे जरूरी क्योंकि एनईपी में जो लैब की बात की उसमें कंप्यूटर लैब सबसे ज्यादा जरूरी है और कंप्यूटर लैब की हालत इतनी ज्यादा खराब है मतलब कि वो सदियों से चले ही नहीं। पांचवी बात आप लिखिए सर कि हॉस्टल में जो यूजीसी ने नियम दिया है कि हॉस्टल की फीस वापिस होगी आप उसको पहले चेक करिए कि क्या है वो क्या नहीं है उस चीज को चेक कीजिए और वो जल्द से जल्द वापिस हो। एक और बात आपको बताता हूँ सर जो हमारे एसएससी के हमारे नए कोर्स चल रहे हैं मेरे ख्याल से तो लाइब्रेरी के बगल वाली बिल्डिंग में चल रहे हैं तो एक उसमें कोर्स था क्या साइंस था वो बायो का कुछ था तिवारी सर है उसके वहाँ चार्ज उसमें तिवारी जी है वहाँ जो भी बायो बायो वो क्लास के वो टीचर कई कई टाइम से आए नहीं और ना वो क्लास होती ये बात मुझे आज ही सुबह पता चली मैं उनको जानता नहीं हूँ और कभी भी विभाग में गया नहीं हूँ लेकिन मतलब इस बात को भी संज्ञान लिया जाना चाहिए कि टीचर अगर प्रेजेंट नहीं है तो उनकी जगह पर दूसरा व्यक्ति होना चाहिए जो उस क्लास को अटेंड कर सके। और पांचवी बात एडमिशन प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जब कोई बात होती है तो उस बात का यहाँ से भी मतलब लेटर आना चाहिए नीचे क्योंकि निजी प्रशासन में कुछ जब हम बात करते हैं तो वो हमसे यही कहते हैं कि ऐसा हो गया ये लेट चल रही है ऐसे लेट चल रही है प्रशासन हमारे पास ऊपर है। जैसे हम कल एडमिशन के लिए गए उन्होंने कहा कि हमारे पास मेरिट नहीं आई ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ सारा ऑर्डर यहाँ से हो रहे हैं तो इसका ऑर्डर भी प्रवेश का ऑर्डर भी यहीं से होना चाहिए सर। उनका एक ही चीज कहना होता है ऊपर से लिखा ऊपर से ले जाओ निहाल ले आओ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया वो यही घुमाते हैं सर मतलब सारे ऑर्डर सर यहीं से आने चाहिए। और हम डीन एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं वो कहते हैं कि सारी चीजों की पावर मेरे हाथ में नहीं है कुछ चीजों का पावर बांट दिया पेपर इसको बांट दिया जी सर ऊपर आके बात करते हैं हमारी मेन समस्या वही है हमारा एडमिशन होता है रजिस्ट्रेशन होता है प्रवेश परीक्षा और परिणाम पोर्टल शुल्क लगता है सर तीन चीजें मान ले ठीक उसमें पोर्टल शुल्क लगता है एग्जामिनेशन फॉर्म भरता है।